अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है रमज़ान की पहली सहरी है, जो कि कुछ देर बाद स्टार्ट हो जाएगी। और आज जो है तकरीबन 5:27 या 5:26 है, इंतहाई से। और पहली सहरी में तरावीह पढ़ के लोग आए हैं अभी, और तैयारी है सहरी की। कुछ लोग अभी सो रहे हैं, कुछ लोग अभी जाग रहे हैं। और होटल वाले मामला जो हैं वो ऑन है अभी। हाजिर हूँ मैं अभी कराची के एक ऐसे एरिया में जो कि काफ़ी मशहूर एरिया है। और उस एरिया की ख़ास बात यह है कि वो मिलाता है फेडरल बी एरिया गुलशन और नाजमाबाद को। और जो एरिया है इसका नाम है करीमाबाद। और करीमाबाद का ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर की अपडेट है कि यहाँ बन रहा है अंडरपास, जो कि आप देख रहे हैं रात के इस पहर में, जहाँ लोग कुछ देर बाद सैरी स्टार्ट करेंगे अपनी। वहाँ हमारे एक भाई जो सिक्योरिटी वाले हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं बेचारे, और सिक्योरिटी दे रहे हैं। सिक्योरिटी के जो एक लोग हैं वो अभी आए हैं कुछ अर्से पहले, वरना यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। ये कराची का एरिया है करीमाबाद, जहाँ बन रहा है अंडरपास। और अंडरपास की अगर अपडेट दूँ तो कराची का जो अंडरपास है वो 3 मरहले में तैयार होगा। पहला मरहला जो है वो काका भवानी चौरंगी, जो कि आप सामने दिख रहे हैं, वहाँ से लेकर फैसल बाज़ार मीना बाज़ार तक का है। दूसरा मरहला ब्रिज के नीचे वाला है। और तीसरा मरहला मूसा कॉलोनी जियाउद्दीन अस्पताल की तरफ निकलेगा। जो दूसरा और तीसरा मरहला है उसकी अगर लेंथ देखूँ तो उसकी लेंथ उतनी ही है जितनी ये पहले मरहले की है। जो पहला मरहला है करीमाबाद का, वहाँ 30% जो है काम तकरीबन होने को है। 70% काम अभी होना बाकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेसमेंट और साइड की दीवारें बन रही हैं। इसी तरह सारा काम आगे तक जाएगा, मगर आगे फ़िलहाल अभी इसलिए नहीं गया क्योंकि आगे इतनी खुदाई हो नहीं रही। काम यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है, इतवार को भी हो रहा है, रात दोपहर शाम को भी हो रहा है। रमज़ान की सहरी की वजह से यहाँ काम है नहीं। नीचे आप देख सकते हैं, नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड वाला बंदा बैठा हुआ है, ऊपर वाला ऊपर बंदा बैठा हुआ है। दो लोग अभी फ़िलहाल हैं। असूरन यहाँ ज़्यादा लोग होने चाहिए, कैमरे के इंतज़ाम होने चाहिए, मगर कैमरे वगैरह फ़िलहाल नहीं लगे हुए। और जो आगे का हिस्सा दिख रहा है, आगे के हिस्से पे जो है लाइट्स का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ भी सिक्योरिटी नहीं है। तो वहाँ कैमरे का इंतज़ाम होना चाहिए और सिक्योरिटी गार्ड भी होना चाहिए। बाकी काम के वाले से बात करूँ तो यहाँ जितने भी मजदूर हैं उनको ISO स्टैंडर्ड के जो है कॉस्ट्यूम नहीं मिल रहे।